है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो है पिक्सल एडी के पट्टे के ऊपर में, तो किस तरह से आप पिक्सल एडी के बेड बना सकते हैं। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया कि मैंने कैसे 50 पिक्सल एडी का बल्ब से मैंने इसको बेल्ट बनाया हूं। तो आप देख पाए दोस्तों, ये 50 पिक्सल एडी का बेल्ट है। तो इसके साथ मैं और एक पिक्सल एडी का बेल्ट यहाँ पर जगाने वाला हूँ, जो कि ये 50, और इसके साथ ही मैंने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में, तो यहाँ से जो 50 एलईडी ख़त्म होता है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाली पिक्सल एडी का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और इधर का जो पिक्सल एडी शुरू होगा तो उसका जो पॉइंट होगा वो है एंड पॉइंट। ठीक है, तो दोनों रहता है, ये है एंड पॉइंट जिससे आपको मेल वाला सॉकेट मिलता है, और जो है मेन पॉइंट जहाँ से इन होगा उसमें आपको फीमेल वाला पॉइंट रहता है। मेल वाला आपका जो है आउटपुट है, जो लास्ट एंड है, और फीमेल वाला जो पॉइंट है वो है आपका इन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये एंड है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एंड इसकी स्टार्टिंग पॉइंट के साथ इसकी एंड पॉइंट लगेगा, और उसके बाद ये आगे उससे ही कंप्लीट होते जाएगा। और उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि इसके साथ और दो वायर लेने वाला हूँ इसकी पावर सप्लाई के लिए, तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, 0.75 square mm की ये है, ग्रीन कलर की वायर है, जिसकी जो कॉपर की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। आप चाहें तो इसमें 1 square mm भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही ये एक कलर है, उसके साथ ही मैं यूज करूँगा इसे, वही 0.75 का ये ब्लैक कलर का वायर, जो कि हमारा ग्राउंड का कनेक्शन होगा, यानी कि नेगेटिव कनेक्शन होगा। तो ये दोनों वायर इसके साथ ही जाएंगे, क्योंकि 50 LED के पिक्सल LED के बाद जो 50 पिक्सल LED शुरू होगा उसमें पावर कमी ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर दी गई है, तो इसमें हम सप्लाई देंगे, उसी तरह से वायर को जोड़ते हुए जाएंगे। तो जैसे कि हमने इसको कंप्लीट किया था, ठीक उसी तरह से इसको भी कंप्लीट करेंगे। हमको डिस्टेंस सेम ही रखना है, अगर डिजाइन और पैटर्न में हमको अगर कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए तो हमको यहाँ पे जो इसकी जो गैप है 3 इंची का, तो वहाँ से शुरू करना होगा। ठीक है, उसके बाद इस वाली वायर को ऐसे कनेक्ट करके उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे जिप टाइट से। ठीक है, और इसके साथ आपको जिप टाई भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कुछ इस टाइप की जिप टाई है, और ये 1000 पीस की आती है, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में दिखाया था। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं और इसको भी हम कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ जिप टाई निकाल दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वाली 50 पिक्सल LED लाइट को लगाना शुरू करते हैं। पिक्सल एलईडी के बल्ब में ऐसे इस टाइप के आपको ग्रुप देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख पाए दोस्तों यहाँ पे। तो इसी से ही आपको 2.2 mm की जो ये है जीप टाई है, वो आराम से लग जाएगा। तो हमने इसमें लगा दिया हूँ, तो इसको और थोड़ा से मजबूती कर देने के लिए इसमें और एक थोड़ा जीप टाई लगाएंगे, और कोशिश कीजिए आपको वायर में खिंचाव ना हो और उसके साथ गैप आपका मेंटेन रहे। तो हमने यहाँ पर एक पिक्सल बल्ब लगा दिए हैं, उसके साथ ऐसे ही आपको करते हुए जाना है आगे में 50 पिक्सल LED के साथ, इस टाइप से कुछ इसको लगाते हुए जाना है। आपका जो गैप है वो बिल्कुल भी सेम रहनी चाहिए, ठीक है, आपकी कोई भी 19-20 नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी डिजाइन में कुछ पैटर्न जो चलेगा उसमें आपको कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। अगर आप इसका गैप ज़्यादा बड़ा रख देंगे तो यहीं से जो पैटर्न शुरू होगा वो तो आपको अलग दिखेगा।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मेरा 50 पिक्सल एलईडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद और 50 पिक्सल एलईडी के लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा था। तो मैंने आपको जैसे वीडियो में दिखाया, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से सारा का सारा 50 पिक्सल एलईडी को देख पाएँ दोस्तों, कितनी लंबी पिक्सल एलईडी है, तो वहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो वहाँ तक मैं जाके भी आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। और उसके साथ बता रहा था कि मैं यहाँ पर दो वायर एक्स्ट्रा यहाँ पर रनिंग के लिए दौड़ाऊँगा, जो कि इस वाली पिक्सल एलईडी को सप्लाई देगा, पावर सप्लाई इसमें देगा। तो ये मैंने दौड़ा चुका हूँ, जो कि ग्रीन है और ब्लैक कलर की वायर है, ठीक है। ये मैंने लिया हूँ 0.75 स्क्वायर एमएम की, तो आप इसमें 1 भी ले सकते हैं या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो जितनी मोटी लेंगे उतनी आपका भारी रहेगा, पिक्सल भारी रहेगा, और जितनी फ्लेक्सिबल लेंगे, हल्का थोड़ी सी जो कम लेंगे, तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी बना रहेगा। क्वालिटी आपका दमदार वाला लीजिए, अच्छा क्वालिटी का वायर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब करना क्या है आपको, तो मैं आपको कैमरा सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी जो ये वाली जो 50 पिक्सल एलईडी की जो इनपुट है और ये 50 पिक्सल एलईडी की जो आउटपुट है, तो इसको आप उसमें आपको इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये लॉक को आपको मैच करके आपको लगाना है, इस तरह से ये लॉक हो जाएगा। और आपको वायर को भी देखना होगा, वाइट में वाइट रहना चाहिए, ग्रीन में ग्रीन, रेड में रेड। तो ये तो कम्प्लीट हो चुका। उसके बाद ये दो दोनों वायर है, आपका ग्रीन कलर मैं यहाँ पे पॉजिटिव में ले रहा हूँ और ब्लैक इसको नेगेटिव में ले रहा हूँ। तो इसकी पिक्सल की जो रेड कलर है ये पॉजिटिव है, वाइट कलर है नेगेटिव है। तो इस तरह से इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट होने के बाद इसको ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो इसको हम इस तरह से फिक्स कर देंगे इसको। दोस्तों इसके साथ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 3.5 mm की ये स्लीबिंग, ठीक है। ये स्लीबिंग की बहुत यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि ये बाहर में रहेगा, आप कहीं पे भी लगाए, इसमें वेदर या तो पानी इसमें ना घुसेगा। तो इसके लिए आपको इस वाली स्लीबिंग का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं चार पीसेस, दो पीसेस में कट कर दे रहा हूँ। प्रॉपर जॉइंट के साथ आपको सोल्डिंग भी करना होगा इसको, अच्छी तरह से मजबूती के लिए और स्ट्रॉन्ग के लिए सोल्डिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी हम सोल्डिंग करेंगे, अच्छी तरह से सोल्डिंग करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर में स्लीबिंग चढ़ा देंगे और इसको केबल टाई में टाइट कर देंगे। सिंपल सा कनेक्शन है, आप देख लीजिए, इसका आउटपुट, डाटा का आउटपुट इसकी डाटा इनपुट में जाएगा, इसकी फीमेल, इसकी मेल, इस दूसरी वाली की फीमेल में साथ अटैच होगा। उसके बाद यहाँ पर पावर को कमी ना हो, इसलिए मैं अलग से वायर जुड़ा हूँ, रनिंग किया हूँ। आप चाहें लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे, अगर आपका पिक्सल सही से जल रहा है तो सही है, अगर नहीं जल रहा है सही से, इफेक्ट आपका सही से नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह से दो वायर इस तरह से आप अलग से चलवा सकते हैं लास्ट एंड तक। तो वहाँ पर भी सोल्डिंग का काम है, वो वहाँ तक भी जाएंगे। तो इसका काम कम्प्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों देख पाएंगे दोस्तों, कितनी अच्छी तरह से सोल्डिंग का काम हुआ है। अब इसको हम कर देंगे, पैक कर देंगे इसको इस तरह से। अच्छे तरह से ये हो चुका है और इसको हम वायर को, केबल को मैनेजमेंट करेंगे, अच्छी तरह से केबल मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। आप जितना हो सके सुंदर करने की आप कोशिश कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पाए दोस्तों, कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे सफाई के साथ मैंने काम किया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी करनी है, तो केबल मैनेजमेंट आपको करनी है आपके हिसाब से। तो वायर में कोई भी लोड नहीं दिया हूँ, सब फ्री है अपनी जगह पर, ठीक है। इसके जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर दूंगा। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों सीधा उसकी स्टार्टिंग पॉइंट में, जिधर से हम सारा का सारा कंट्रोल लगेगा वहाँ पे हम चलेंगे। तो इसको हम कट कर देता हूँ,
तो यहाँ से शुरू हुआ है और हमारा पिक्सल लड़ी यहाँ तक आके रुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट इस तरह से फीमेल सॉकेट आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ ये दो वायर और यहाँ का ये पिक्सल के लिए ये दो पावर सप्लाई के लिए ये दो वायर। तो ये दो वायर को भी हम इसमें इसकी साथ कनेक्ट कर देंगे और हम इस ब्लैक एंड ग्रीन कलर के वायर से पावर सप्लाई देंगे, तो दोनों पिक्सल के लिए पावर सप्लाई सेम टू सेम बराबर हो जाएगा। आपका एम्पियर भी आपका बराबर दोनों पिक्सल के लिए चला जाएगा। अलग से कनेक्शन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी वायर को इसी के साथ अटैच कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पिक्सल जो है इसमें लगाएंगे हम। तो आप चलिए इसको उधर लेके चलता हूँ, उधर से हम सोल्डिंग का काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो आप देख पाएंगे दोस्तों हैंडसिंक बहुत अच्छी तरह से लग चुका है यहाँ पे। और ये जो है ये आपकी पिक्सल के लिए है, तो यहाँ पे हम इसमें केबल टाई लगा देंगे। ठीक है, केबल टाई लगा के इसको फिक्स कर देंगे। और अभी आप चलते हैं दोस्तों पूरी बेल्ट को चेक करेंगे, और इसके लिए मैं पावर सप्लाई यूज करने वाला हूँ। जो पावर सप्लाई है SMPS की है, PC का, तो उसी का मेरे पास पावर सप्लाई है और उसको मैं आपको दिखाऊँगा अभी। तो मैं यहाँ पे जो केबल यहाँ पे रखा हुआ हूँ, छोड़ा हूँ, ये लगभग 2 मीटर का है, क्योंकि आप जहाँ पे भी लगाएंगे अगर आपका वायर छोटा पड़ जाएगा तो फिर बीच में आपको जॉइंट करना पड़ेगा। तो ये जॉइंट ना हो, मैं डायरेक्ट SMPS को मैं नीचे भी रख के आराम से 2 मीटर की दूरी में रख के भी इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं इतना लंबा छोड़ा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके पावर का सब कुछ दिया गया है, जो कि यहाँ पर +5 वोल्ट जो 20 एम्पियर तक इसमें आउटपुट है, -5 वोल्ट में भी नील है, और 3.3 वोल्ट 15 एम्पियर, 12 वोल्ट 25 एम्पियर, 12 वोल्ट का भी पिक्सल LED यहाँ पे चल सकता है। और इसमें ATX पावर सप्लाई ऑन के लिए जो वोल्टेज चाहिए उसकी जो एम्पियर है मैं आपको दिखाऊंगा, 5 वोल्ट VSB 3 एम्पियर। ठीक है, ये 3 एम्पियर चलता है। ये कौन सा वायर में आपको आता है, ये हरा वाला वायर में आता है। ठीक है, पावर सप्लाई ऑन के लिए हरा वाला जो ग्रीन कलर का वायर है वहाँ से आप निकलता है, और 5 वोल्ट आपको रेड कलर में निकलेगा, रेड कलर की वायर में 5 वोल्ट निकलेगा, येल्लो में 12 वोल्ट निकलेगा, और ऑरेंज में आपको 3.3 वोल्ट निकलता है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी वायर का कॉम्बिनेशन है इतना सारा। तो आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, या तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो मैं इसको इसमें कनेक्ट करूँगा और इसमें पावर सप्लाई दूँगा। तो दोस्तों इसमें मैं पावर ऑन करने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें पावर चालू हो चुका है, और इसमें पिक्सल में अभी तक लाइट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि इसमें मैंने डाटा का कनेक्शन नहीं किया है, यानी कि मैं कंट्रोलर को इसमें कनेक्ट नहीं किया हूँ। ठीक है, सप्लाई सब में चला गया है, यहाँ से कुछ इस तरह से मैंने रोटेशन किया हूँ वहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो इसमें कंट्रोलर लगाना है, तो कंट्रोलर लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें पावर चालू है, ठीक है, तो इसमें कंट्रोलर लगाऊँगा जो कुछ इस तरह से लगेगा, ब्लैक में वाइट, ग्रीन में ग्रीन, रेड में रेड। ठीक है, तो इसको मैं लगाऊंगा, लगाते ही ये चालू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये चालू हो चुका है। All I want.
दोस्तों यहाँ पे मेरा 100 पिक्सल बेल्ट का जो प्रोजेक्ट था कंप्लीट हो चुका है। मैंने घर पे बना चुका हूँ। इस तरह से यहाँ से लेके मेरा यहाँ पे 50 पिक्सल बेल्ट का ये मेरा एंडिंग है। यहाँ से दूसरा वाला 50 का शुरू हुआ है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आके ख़त्म हुआ है। तो यहाँ से शुरू हुआ है, वहाँ से ख़त्म हुआ है, वहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से ख़त्म हुआ है। तो ये मेरा 100 का है। तो ये जो मेरा कंट्रोलर है ये भी 100 पिक्सल एलईडी के लिए बना हुआ है, तो ये अच्छे से कंट्रोल करता है। इसके बाद इसको बढ़ाएंगे तो इसकी कंट्रोलर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जैसे करना है कर लीजिए। चैनल में नए हैं तो जुड़ जाइए चैनल में। इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास लेके आता रहता हूँ, तो आता रहूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।